ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुड मॉर्निंग सर। बेटा सभी लोग गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जस्ट मिनट बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलो कितने लोगों का रिस्पांस मिला था चैट में देख लेते सबसे पहले। ओके, गुड मॉर्निंग कल्याणी, हर्ष, प्राची, साहिल, प्रगति, मयूरी, प्रदन्या, रुतिका, पूनम, निकिता, निकेत। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। चलो फास्टली जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर जो अपलोड हुआ था आप लोग देख लीजिए बेटा, लास्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग नया। ओके चलो, तो कितने लोग बेटा लास्ट लेक्चर स्टडी कर लिए, एक बार हैंड रेस करेंगे। लास्ट लेक्चर यूट्यूब से देख लिए, कुछ सरप्राइजेस थे पहले क्या आप लोगों को? कुछ लोग दिख रहे बेटा, बाकी लोग नहीं देखे? कुछ सरप्राइजेस है बेटा उस लेक्चर में, वीडियो एडिटिंग के बाद आप लोग देखिए, मजा आएगा आप लोगों को। कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें मिलेंगी, बट एंड तक के देखेंगे तो ही मिलेगा कुछ, बीच में कुछ, लास्ट में कुछ, स्टार्टिंग में। और हर लेक्चर में बेटा थोड़ा बहुत एडिटिंग रहेगा, तो एडिटिंग के साथ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उस पर रहेगी। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अभी तक के हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर लिए हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स। आज अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बेटा यदि हम देखें तो इसमें क्या क्या पार्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारा जो सेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एनिमेशन प्ले होगा, जरूरी है। बेटा देखिए, जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है, वीडियो जो प्ले हुआ था सभी को प्रॉपर्ली हुआ था, जैसे उसी चीज के लिए है कि आपका नेट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक टेस्टिंग हो जाता है स्टैंडिंग का एक वीडियो से, जिसमें आपको ऑडियो और विजुअल दोनों भी कंफर्मेशन हो जाता है। यदि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली बेटा रिजॉइन कर लीजिए। ओके चलो, मैक्सिमम सभी लोगों का क्लियर है? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो है बेटा, तो एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें इंक्लूड है थेरेपीज। ओके, थेरेपीज के अलावा यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें डायग्नोसिस जो है, यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए, तीनों भी पॉइंट्स में बेटा देखिए, डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेस हो रही है उस डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए या उसे डायग्नोज करना है, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्रॉप को मॉडिफाई करना है, वेल डेवलप प्लांट को ग्रो कराना है, ठीक है। फूड का प्रोसेसिंग हो या फूड की प्रोसेसिंग के अलावा बायो रेमेडिएशन जो है, इस प्रोसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और साथ ही साथ एनर्जी का प्रोडक्शन, इसमें बायोटेक्नोलॉजी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बायो रेमेडिएशन का मीनिंग क्या होता है बताएंगे मुझे जल्दी से? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। बायो रेमेडिएशन रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग, क्या होता है बेटा? जल्दी से बताएंगे बायो रेमेडिएशन क्या होता है, वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। थेरेप्टिक्स का डेफिनेशन क्या होगा बेटा? रुटी का कैंसर आया सबसे पहले, थेरेपी मीन्स दूसरा होता है एबिलिटी टू क्योर, तो डिसीज हुई है उस डिसीज से क्योर करने के लिए जो रोल प्ले कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी वो थेरेपी में आएगा। रुटी का आंसर, सुरुति का आंसर, रुटी का बेटा आपका आंसर जो है हो सकता है बट परफेक्ट जो है हम नहीं कहेंगे उस आंसर को। वेरी गुड कल्याणी, गुड गुड आयुष, वेरी गुड आयुष। आभा का क्या आया है? गुड, आभा का भी करेक्ट है, मानो करेक्ट है, मनाली, नोएडा, हर्ष, वेरी गुड,
आर्यन गुड आर्यन तेजस्वी ओके बेटा तेजस्वी लेकिन परफेक्ट आंसर चाहिए अनिकेत ओके बट मोर करेक्ट नहीं है दुष्यंत ओके गुड वेरी गुड शुक्रिया वेरी गुड वेदांत टीचर देखिए बेटा यहाँ पे बायो रेमेडिएशन मीन्स लाइव ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो पॉल्यूशन है जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया सॉइल पॉल्यूशन उसे रिमूव करना ओके ये कहलाता है बायो रेमेडिएशन ओके गुड ईश्वरी तो यहाँ पे देखिए बेटा डिफरेंट टाइप की जो थेरेपीज है थेरेपीज मीन्स जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग डिजीज का तो उस डिजीज के ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोई डिजीज हुआ है तो उस डिजीज को हमको फाइंड करना है कौन सा डिजीज है जैसे कि पीसीआर एनालिसिस हम लोगों ने स्टडी किए थे बेटा मीन्स क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिसीज हुआ है और उस डिसीज को यदि हमें फाइंड करना है तो समय के पहले कैसे फाइंड होगा तो पीसीआर की हेल्प से बेटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी में एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है अब किसी पर्सन को एचआईवी का यदि इन्फेक्शन हुआ है तो इसके सिम्टम्स को बेटा आफ्टर 10 इयर्स या 5 इयर्स लेटर जो है दिखाई देते हैं बट हम लोग पीसीआर की हेल्प से क्या कर सकते हैं पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से यदि हमको एक स्ट्रेन भी आरएनए का मिल गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा डायग्नोस करेंगे इस आरएनए को क्या कर सकते हैं बेटा हम एम्पलीफाई करेंगे एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन सा डिसीज है नॉट ओनली एचआईवी ओके थेरेपी मींस क्या हो रहा है थेरेपी मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी मींस क्या होगा जैसे कि सपोज कोई फॉल्टी जीन किसी बॉडी में आ गया तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं किसी हेल्दी जीन से तो इस तरह से बेटा बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहा है अपने रोल फूड की प्रोसेसिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि बीटी क्रॉप जो है एक सेवर फेवर टोमेटोज जो है बेटा आपने देखे होंगे नाम सुने होंगे ठीक है मींस नॉट ओनली टोमेटो डिफरेंट टाइप के जो फूड है जैसे गोल्डन राइस जो है इसका प्रोडक्शन मींस ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ का हम लोगों ने स्टडी किए थे जीएमओ मींस क्या होता है बेटा जीएमओ का रोल क्या है जीएमओ मींस इसका बेटा माइक ऑफ है ऑफ करो बेटा उन्हें मैं यहां से ऑफ कर दूंगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे ओके ध्यान रखा करो हाँ ठीक है बेटा तो इस तरह से यहाँ पे जो जीएमओ मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा अच्छा क्रॉप जो है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है या फिर वो बेटर क्वालिटी और अच्छी फील्ड वाला हमें मिल सकता है यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फूड की प्रोसेसिंग में और जीएमओ में बायो रेमेडिएशन मींस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को जैसे स्यूडोमोनास फूटिडा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जो क्या है बेटा समुद्र में ऑयल पॉल्यूशन को रिमूव कर रहा है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी बेटा जो है इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन बस यहाँ पे बेटा हम लोगों को जो स्टडी करना है तो इसमें बेटा मेन थ्री रिसर्च एरिया है जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो ओके जहाँ पे आप लोग जो है स्टडी कर सकते हो उसके लिए क्रिटिकल रिसर्च एरिया की यदि हम बात करें तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो है इसमें थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो है वो आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में पहली चीज तो बेटा एक हम ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो इम्प्रूव कर ले जो एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करे बेस्ट कैटलिस्ट मीन्स देखिए बेटा जितना भी यदि हम लोग देखें क्या चीज जो प्रोडक्शन होता है तो मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन बनाते हैं प्रोटीन मीन्स एक एंजाइम एंजाइम मीन्स एक कैटलिस्ट होता है मीन्स ऑर्गेनिजम्स को कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट कर दिया जाए जो एक बेस्ट कैटलिस्ट का प्रोडक्शन कर पाए या तो बेटा हम उस ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव कर ले जैसे कि हम लोगों ने एक ईस्ट हम लोगों ने पढ़े थे कि ईस्ट जो है जब ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है तो 13% या 12% के आसपास है इससे ज्यादा जब इसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो ये खुद ही अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर लेता है ठीक है तो फिर तो हमारे लिए बेटा प्रोसेस जो है बहुत ही क्या हो गया कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेंथी हो गया एक्सपेंसिव हो गया तो या तो बेटा इस होस्ट ऑर्गेनिजम्स को ही हम ऐसा बना ले जिसकी वजह से उसका डेथ ना हो या तो फिर हम लोग उस कैटलिस्ट को ऐसा कर ले कि वो फाइनली हमें जो प्रोडक्शन दे रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट में दे रहा है ओके ये फर्स्ट रिसर्च एरिया जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो बेटा चांस मिले तो ट्राई करना सेकंड बेटा ऑप्टिमम कंडीशन ठीक है कंडीशन कुछ ऐसी इंप्रूव कर ली जाए बेटा ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कि कैटलिस्ट जो है सही तरह से काम कर पाए जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे बेटा ज्यादातर जो प्रोसेस होती है एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है तो वहां पे एंजाइम डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं जिसकी वजह से फाइनली होगा क्या प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएंगी ऑप्टिमम कंडीशन ऐसी हो या फिर कैटलिस्ट जो है काम कर पाए तो या तो उस कंडीशन को हम मेंटेन कर ले ऐसा या फिर उस कैटलिस्ट को ऐसा मेंटेन कर ले कि वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में काम कर पाए और उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन अगेन क्या बताया मैंने थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया बेटा बायोटेक्नोलॉजी के लिए जिसमें पहली चीज तो बेटा बेस्ट कैटलिस्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव किया जा सकता है या ऑर्गेनिज्म इंप्रूव कर सकते हैं सेकंड ऑप्टिमम कंडीशन जो है अच्छी हो और थर्ड यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मीन्स फाइनली इज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो उसके लिए जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने इतना बड़ा यदि रॉ मटेरियल यूज किए उसके कंपैरिजन में हमको सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट मिलता है ठीक है फाइनली प्यूरिफिकेशन के बाद या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिल रहा है या प्रोटीन मिल रहा है तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को कुछ ऐसा कर लिया जाए कि इतना सारा प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए तो ऐसे थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया बेटा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं जिस पे काम करने के लिए आज भी आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि इसमें आप काम करते हो तो फ्यूचर ब्राइट है फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा हम लोग तो अब देखिए यहाँ पे
पहली चीज तो जो हम लोग इस चैप्टर में मेनली जो फोकस करेंगे और जो स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्टली हम लोग बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, सेकंड थिंग बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेटा मेडिसिन में, और सेम बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैसे बनाया जा रहा है, और लास्ट में बेटा हम कुछ एथिकल इश्यूज जो है इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का रोल बेटा एग्रीकल्चर में हम देखेंगे। आपने देखे होंगे बेटा आज के टाइम पे जो भी क्रॉप जो हमें मिल रही है, ओके, जो भी क्रॉप जो भी वेजिटेबल्स यदि हम देखे, तो पहले के टाइम में होता ये था बेटा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सीजन पे ही एक स्पेशल टाइप की वेजिटेबल्स हमको देखने को मिलती थी, और उसके साथ ही साथ बेटा उसका या तो क्वालिटी कह लो या फिर उसका साइज कह लो लिमिटेड रहता था। बट आज के टाइम पे हुआ ये है कि आज हमें बेटा जो भी यहाँ पे क्या चीज जो भी क्रॉप हमको मिल रही है, किसी भी सीजन में हम लोग हर टाइप की क्रॉप को हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हमारे पेरेंट्स जब सब्जी लेने जाते थे मार्केट में, और जब टोमेटो को लेके आते थे, ओके, तो टोमेटो को बेटा सबसे लास्ट में परचेस करते थे। क्यों? क्योंकि टोमेटो यदि नीचे साइड में रहा तो वो क्या हो जाता था बेटा, उसका जो सेल वॉल है वो रप्चर हो जाती थी, गलने लग जाता था, और ज्यादा दिन तक के टोमेटो नहीं रह पाते थे। ओके, या भी उसके लिए अलग से एक कैरी बैग कैरी करना होता था, थैला अलग से कैरी करना होता था, तब जाके टोमेटो जो है प्रोटेक्ट कर पाते थे। बट आज के टाइम पे आपने देखे होंगे बेटा टोमेटो को कितने भी दिन रख दो, मे बी वन वीक तक के भी आप देखेंगे टोमेटो को रखा हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि हम आगे चल के समझने वाले बेटा इसमें। तो पहली चीज तो देखिए बेटा यहाँ पे टोमेटो जो है मींस उसमें इनसाइड में बेटा कुछ मॉडिफिकेशन जो ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें क्या चीज जब उसका जीन एक्सप्रेस होता है तो जो आउटर लेयर है उसको रप्चर करने वाले कुछ एंजाइम्स वहां पे सिक्रेट होते हैं, और सिक्रेशन की वजह से टोमेटो जो है वो क्या होने लगा था बेटा, खराब होने लगा था। बट आज के टाइम पे हमने उस जीन के मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर दिए, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम लोग टोमेटो को भी बहुत अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी में हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से बेटा कुछ एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में ये हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस है, तो यहाँ पे बेटा पहली चीज तो 3 ऑप्शंस है जिसकी हेल्प से हम फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, फूड के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत से लोग बार बार ज्वाइन रिज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या अमन? क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा? वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है कि बेटा, या वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम आ रहा है? एक बार रिस्पांस करेंगे जल्दी से। वॉइस लो आ रहा है क्या? ऑल क्लियर है, अभी ठीक आ रहा है सर, क्लियर है बेटा? सभी लोगों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ लोगों का डेटा पैक एक्सपायर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अच्छा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है बेटा, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो रिज्वाइन करो। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर बेटा हम क्लास, प्रॉब्लम नहीं है ज्यादातर वैसे। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे 3 ऑप्शंस बेटा जिससे फूड के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम लोग जो दिख रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, कहाँ पर बेटा? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन होती है ये हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। तो फूड के प्रोडक्शन को बेटा हम 3 वे से इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज तो बेटा एक तो आ रहा है यहाँ पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड इसमें आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और थर्ड आता है क्या चीज बेटा जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब ये होता क्या है, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मीन्स देखिए बेटा आपको याद होगा हम लोग जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, उस केमिकल्स की यूज की हेल्प से जब क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये जो है किसमें आएगा बेटा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ओके, इसी के साथ साथ बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन्स जनरली जैसे हम गोबर खाद वगैरह का जो यूज करते हैं आपने देखे होंगे, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो विलेज से जो निकलता है, या फिर डिकेइंग लीव्स जो होती है ठीक है उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, देन फाइनली क्रॉप के यील्ड को बढ़ाते हैं, तो ये आता है बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। और थर्ड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप GMO बेस्ड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे तीनों भी पार्ट के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बेटा जैसे ही यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन की यदि हम बात करें, क्या चीज ग्रीन रिवोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है जैसे ही हुआ मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स एक क्या कह सकते हैं हम लोग ऐसा टाइम जहां पे हम लोगों ने हमारे फूड के प्रोडक्शन को काफी हद तक के इंप्रूव किए। अब काफी हद तक के इंप्रूव किए मींस क्या हुआ, वहां पे
हम लोगों ने यहाँ पे ये जो तीन प्रैक्टिसेस जो है जब वहाँ पे अप्लाई किए, तो इसमें मेनली बेटा देखिए जब 1950 के बाद की हम बात करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंस मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, हमारा जो साइंस है वहाँ पे, ठीक है, एक तो बहुत सारे केमिकल्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल थे, ठीक है, एक टाइम तो बेटा ऐसा आया था कि मैक्सिको से भी वीट जो है वो लाया गया था, एकदम अकाल सा पड़ गया था, लेकिन तब वहाँ पे देखा गया और जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने ये सारी चीजों को देखी, तो वहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट को सामने लाया कि कुछ तो भी हो ऐसा कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और फाइनली बेटा बहुत सारी जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूवमेंट के बाद फाइनली बेटा बहुत सारे जो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सभी का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन बेटा इसने फूड के प्रोडक्शन को तो ट्रिपल कर दिया था, लेकिन फिर भी बेटा नॉर्मल एक फार्मर के लिए हम देखे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, और एक्सपेंसिव के साथ ही साथ बेटा हम केमिकल पे डिपेंड हो गए थे, और केमिकल्स तो हमारे लिए क्या हो रहे थे बेटा, हार्मफुल हो रहे थे, और डे बाई डे बेटा जैसे डिमांड बढ़ते जा रही थी और हमारी नीड जो है बढ़ते जा रही थी, उसके साथ बेटा अब हम केमिकल पे डिपेंड हो गए, और केमिकल कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रहा है। आपने देखे होंगे कि पहले के टाइम पे जो, ठीक है, यदि हम देखें तो लाइफ साइकिल जो है बेटा या लाइफ स्पेन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, बट आज के टाइम पे वो आधा हो गया, मींस मे बी 100 इयर्स तक के लोग सरवाइव करते थे, आज के टाइम पे तो 50 60 70 बहुत हो गया, तो उसके बाद बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग टोटल केमिकल पे बेस्ड हो गए, केमिकल मीन्स एक टॉक्सिन्स, छोटा छोटा टॉक्सिन जो बेटा डे बाय डे हम थोड़ा थोड़ा हम हमारे बॉडी में जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा लेते जा रहे हैं, और एक टाइम के बाद जब उसका इफेक्ट दिखता है तो बहुत ही डेंजरस होता है। ये सारे चीजों को हटाने के लिए फाइनली बेटा यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हो बेटा, तो इसमें देखिए बेटा पहली चीज तो जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, ठीक है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड हुआ, क्रॉप का यील्ड बढ़ा, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, बट किस पर डिपेंड था, एग्रोकेमिकल्स मींस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड्स था, ठीक है, और साथ ही साथ नॉर्मल एक फार्मर के लिए यदि हम देखें तो ये क्या था बेटा, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो उसके लिए बेटा ये फर्स्ट था हमारा कौन सा बेटा, एग्रोकेमिकल, सेकंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मींस इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैंने आप लोगों को जो बताया कैसे बेटा ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं, ठीक है, मींस ये यूज करते हैं मैनर्स का, मैनर्स मींस जो ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड मटेरियल जो होता है जिसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं बेटा, या फिर बायो पेस्टिसाइड, या फिर बायो कंट्रोल, जो कि बेटा क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मींस यहां पे किसी भी टाइप के आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स का यहां पे यूज नहीं हो रहा है, ओके, बट बेटा यहां पे ऑर्गेनिक आपने देखे होंगे, जैसे कि आपने मार्केट में देखे होंगे कि ये देसी है, देसी ऐसा बोल के मार्केट में जो सप्लाई होता है, टोमेटो भी जो है देसी है, गावरानी है, ऐसा जो टर्म यूज होता है, बट बेटा वो थोड़े से एक्सपेंसिव होता है, क्यों, क्योंकि जैसे कि आपने देखे होंगे कि ऑर्गेनिक शुगर अभी जैसे मार्केट में जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है ऑर्गेनिक शुगर, तो वो बेटा उसका रेट भी ज्यादा है, क्यों बेटा, क्योंकि वहां पे उसके प्रोडक्शन में जो है जो लागत जो लगी है वो बहुत ज्यादा लगी है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन जो है बहुत कम हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके रेट भी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए फाइनली जो आएगा वो आएगा क्या चीज बेटा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेटा ये इंक्रीज नहीं कर रहा है यील्ड ऑफ क्रॉप, या फिर जो डिजायर एक्सटेंट हमें जो इतना चाहिए, ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसको डील करता है क्या चीज बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें बेटा हम कुछ प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल्स जिसके जीन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज ला रहे हैं, जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो टर्म यूज होता है उस टर्म को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फाइनली इस तरह से यहाँ पे हम जो क्रॉप जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरह से रहेगा बेटा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है जिसकी हेल्प से फाइनली जो प्रोडक्शन होगा वो काफी अच्छा रहेगा, किसी भी टाइप के केमिकल्स पे वो डिपेंड नहीं रहेगा, और इस तरह से हमें जो है फूड जो मिलेगा वो हेल्दी फूड रहेगा, और हमारी एज पर भी किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं देगा, कैसे, क्योंकि हमने उसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इस तरह से जो क्रॉप बना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर GMO कहलाता है, ओके, यहां तक बेटा क्लियर है बेटा सभी लोगों को, हेलो, मैनर्स मींस खाद कहते हैं बेटा सिंपल टर्म में उसे, अमन क्लियर हुआ बेटा यहां तक के, चलो गोवल, यस सर, दिव्या, सहिल, मृणाली, पूनम, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें सर स्लाइड 9 रिपीट करना है, यानी कि स्लाइड 9 देखिए बेटा, 9 जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो हम लोग क्या चीज जो क्रॉप जो है मींस अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस देख रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में हम लोग एग्रीकल्चर जो है, ठीक है,
वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है बेटा, इसमें इम्प्रूवमेंट जो है फर्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मीन्स जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड हुआ, ठीक है, तो उसी तरह से बेटा क्रॉप का यील्ड जो है वो भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। क्रॉप का यील्ड, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स यहाँ पे हम इसको सिंपल टर्म में हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स जस्ट लाइक एज एग्रोकेमिकल मीन्स पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो है इसका यूज करके हम लोगों ने क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव किया है। तो इस तरह का ये जो स्लाइड है जिसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा एनसीईआरटी यही एक्सप्लेन कर रहा है, और ये स्लाइड में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है। अनिकेत क्लियर हो गया बेटा अभी आपको? ओके बेटा, रुचि का कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ ईश्वरी ऐड कर सकते हैं फाइटो हार्मोन, बट यहाँ पे हम लोग बेटा जो है कुछ अलग टर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स हमको जीएमओ बनाना है। ओके निकिता बेटा, कुछ खास नहीं हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आगे रिवाइज हो जाएगा सारा पार्ट आपका। फिफ्थ और सिक्स में मैंने सिर्फ यही बताया है कि जो एनसीईआरटी में बेटा तीन पॉइंट दिए हुए हैं आपके फर्स्ट पेज पे, वही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर। ओके, तो फाइनली बेटा स्लाइड 9 हो गया था हमारा, स्लाइड 10 पे आते हैं हम लोग। स्लाइड 10 भी हो गया था क्या? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या होता है? इसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस तरह से एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स पेस्टिसाइड का यूज को कम कर दिया हमने, और यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में हमने क्या बताया जीएमओ का किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया। ओके, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है मीन्स यहाँ पे प्लांट बैक्टीरिया फंजाई या फिर एनिमल जिसके जीन जो है बेटा अल्टर्ड हुआ है विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन, वो कहलाता है जीएमओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जीएमओ क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि एक ऐसा एनिमल या ऐसा बैक्टीरिया ऐसा फंजाई जिसके जीन को अल्टर किया गया है, ठीक है, मैनिपुलेट करके, वो क्या कहलाता है बेटा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम प्लांट की हम बात करें तो ये बेटा बहुत सारे वे में ये यूजफुल है, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है इसमें क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिजम्स में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है, क्या बता रहा हूँ मैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है, पहली चीज तो बेटा ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, मीन्स इसको सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो यहाँ पे बेटा जो भी हमारी क्रॉप है वो किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन रहे उसकी वजह से वो खराब नहीं होंगी, ठीक है, मोर टॉलरेंट रहेंगे अबायोटिक स्ट्रेस। कोल्ड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, या फिर हीट हो सकती है। यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यदि है, ठीक है, तो एक ऐसी क्रॉप यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उसमें पहली चीज तो क्या है, वो टॉलरेट कर सकती है ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। सेकंड बेटा, यहाँ पे रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड यूज, मींस यदि यहाँ पे क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यदि हम बना रहे तो ऐसे उसमें कैरेक्टर होना चाहिए कि हमको वो मतलब केमिकल्स का पर डिपेंड ना रहे, बिना विदाउट केमिकल विदाउट पेस्टिसाइड, ठीक है, वो किसी भी टाइप के पेस्ट से भी वो रेजिस्ट रहे। इस तरह से बेटा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्रॉप में हो रहा है। साथ ही साथ बेटा पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस को भी रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस मतलब जब हम सीड ग्रेन्स वगैरह जो है या जो हमारी क्रॉप है उसे जब हम स्टोर कर देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, खराब होने लग जाती है, तो बेटा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेगी तो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस जो है उससे भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगी। साथ ही साथ बेटा देखिए इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, मींस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है और ये प्लांट जो है यदि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो मिनरल्स को क्या है वो फास्टली अब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसकी एफिशिएंसी जो है मिनरल्स के यूज की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से बेटा ये प्लांट जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। ओके, फिर साथ ही साथ बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसे भी एनहांस किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन ए रिच राइस जो है, जैसे बेटा गोल्डन राइस बोलते हैं, गोल्डन राइस मीन्स हमने जो क्रिएट किया टेलर मेड प्लांट, ठीक है, टेलर मेड प्लांट का मीनिंग क्या होता है, रिक्वायरमेंट बेस्ड प्लांट हम कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई भी प्लांट में आपने देखे होंगे एक टाइम ऐसा आया था कि मैक्सिमम पर्सन विटामिन ए की डेफिशियंसी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, डिसीज हो रही थी, तो फाइनली बेटा न्यूट्रिशनल फूड जो है इसको डेवलप किया गया एक राइस जिसे कहते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मीन्स गोल्डन कलर का, इसलिए हम उसे गोल्डन राइस नहीं कहते, वो बेटा विटामिन ए से इनरिच है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसमें विटामिन ए जो है वो भरपूर है, सफिशियंट अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशियंसी से जो डिसीज हो रही थी उसको उसने क्या किया बेटा ओवरकम कर दिया। ओके, तो इस तरह से बेटा जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो हो रहा है क्रॉप में वो हो सकता है।
अब यहाँ पे बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट जो है मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्लांट जो है उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा एक बैक्टीरिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कौन सा बैक्टीरिया बेटा? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेसियंस जो बेटा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है बेटा प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस इसके पास एक जीन एक प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं बेटा? टीआई प्लाज्मिड। और इस टीआई प्लाज्मिड में यहां पे जो देख रहे हो आप एक जीन प्रेजेंट है, और ये जो जीन है बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, मींस प्लांट में ये क्या करता है बेटा? क्राउन गॉल डिजीज मींस ट्यूमर कॉज करता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहां से इस जीन को कट कर दिए। कट करने के बाद यहां पे हम लोग बेटा यदि नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जीन को इंट्रोड्यूस कर जाए, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया बेटा इजीली प्लांट में जा सकता है। हमको बेटा देखिए माइक्रो इंजेक्शन का हमने यूज किए, तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट में इंड्यूस कर रहे थे। हेलो, माइक्रो इंजेक्शन था कि प्लांट के लिए, एनिमल के लिए था? सेकंड पॉइंट कौन सा वाला बेटा? तेजस्विनी रुधि का, कौन सा स्लाइड का? वेरी गुड अनिकेत, जीन गन मेथड इन यूज कर रहे थे, है ना? ओके, 12 नंबर के स्लाइड का लास्ट पॉइंट नहीं समझा आपको, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में हो रहा था, गुड। ये वाली स्लाइड बेटा इसमें कौन सा सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया आपको? सेकंड पॉइंट में क्या बताया था मैंने? फर्स्ट इसमें बताया था मैंने मोल्ड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। बेटा यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो नॉर्मल क्रॉप है वो अच्छी तरह से रहे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप का अच्छा यील्ड हो उसके लिए हमको केमिकल्स का मीन पेस्टिसाइड का हम यूज करेंगे पेस्ट को मारने के लिए। ओके, लेकिन हम लोगों ने बेटा यदि उस क्रॉप में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यदि हमने ला दिया तो अभी क्या होगा, वो जो भी पेस्ट आके उस क्रॉप को स्पॉइल कर रहा था तो क्या इस पेस्ट से क्या हो गया, ये क्रॉप रेजिस्ट हो गया, तो अभी वो उसे किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, रुचि का क्लियर हो गया, तेजस्विनी क्लियर हुआ बेटा, सेकंड पॉइंट दो लोगों के डाउट थे। वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा बाकी लोगों को? हाँ बेटा ईश्वरी बोलो, ये लो एक्सेप्ट करो, क्या बोल रहे बोलो? सर फोर्थ पॉइंट जो है उसमें अगर इंक्रीज होगा वो मिनरल यूसेज तो सॉइल फर्टिलिटी तो इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो जाएगी ना फोर्थ पॉइंट में, है ना? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, मींस दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मींस देखिए क्या होता है यहाँ पे मिनरल यूजेस जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मींस यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी जो है उसके पहले ही ये इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है बेटा देखिए कुछ प्लांट है, अब उस प्लांट के साथ ही साथ और भी दूसरे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, अब ग्रो कर रहे हैं तो समय के पहले यदि इसने मिनरल्स को यूज कर लिया, ठीक है, तो ये सही तरह से सर्वाइव करेगा, नहीं तो अदर प्लांट उस प्लांट के साथ ग्रो करेंगे तो उसके साथ साथ वो भी लेगा, तो उस टर्म को बताना चाह रहा बेटा यहाँ पर। तो सर प्रिवेंट कैसे होगा अर्ली एग्जॉशन, क्योंकि अगर प्लांट ने सारे मिनरल्स ले लिए तो सॉइल की फर्टिलिटी तो कम होनी चाहिए ना? अर्ली एग्जॉशन का मतलब बेटा यहाँ पे ये बताया है कि मान लो अर्ली एग्जॉशन मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है उसमें, उस टर्म से अर्ली एग्जॉशन को लेकर क्या समझ रहे हो आप पहले बताओ? मतलब सॉइल में कम हो जाता है मिनरल्स। हाँ, सॉइल में मिनरल्स कम हो जाता है यदि समय के पहले, तो प्लांट फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, ये मीनिंग है ना? हाँ, ठीक है, तो यदि मान लो सॉइल में फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी है उसी टाइम पे उसने यदि मिनरल्स को कंज्यूम कर लिया तो प्लांट में तो मिनरल्स है ना अभी, क्योंकि नॉर्मल प्लांट भी है और उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट भी है जो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो यदि मिनरल्स का एफिशिएंसी जो मेन हमारी क्रॉप है उसने यदि इंप्रूव कर ली तो वो सारा मिनरल्स को वो ले लेगा ना, बाकी दूसरे प्लांट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये बोलना चाह रहा हूं। ओके सर। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस मींस होता है बेटा दिव्या, जैसे कि फसल जो है जब उसको हम स्टोर करके रखते हैं उसमें कीड़े लगने लगते हैं, ओके, तो उसे रोकने के लिए उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है बेटा यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है यदि हमारा तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्लियर हुआ दिव्या? ईश्वरी क्या फार्मास्यूटिकल मींस क्या बोलना चाह रहे हैं समझे? रुचि का इंक्रीज इन मिनरल न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन विल कॉज टॉक्सिसिटी इन प्लांट। बेटा एब्जॉर्प्शन एक अलग टर्म है और इंक्रीज न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन एक अलग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी मिनरल यूजेस कौन समझ रहे बेटा, ठीक है, जितना जरूरत है उतना वो यूज कर पाए, नहीं है तो छोड़ दे, ये रहेगा रुचि का, इसलिए टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेगा। फोर्थ पॉइंट बेटा इसी स्लाइड का है क्लास, फार्मास्यूटिकल्स मींस बेटा जो फार्मा जहां पे मेडिसिंस बनती है बेटा। ईश्वरी क्लास कौन सा पॉइंट बोले बेटा क्लास आपने? फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट।
ये वाला कलर्स। हेलो ओके बेटा, इसको देखिए, इतना कंफ्यूज मत होइए। इसमें सिंपल टर्म में आप याद रखिए क्या चीज, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, मिनरल यूजेस जो है उसका एफिशिएंसी जो है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ओके सिंपल, इतना ही आप याद रखो। आप कंफ्यूज नहीं हो तो ब्रैकेट में अलग पॉइंट बताया हुआ है उसने, अब उसको देखिए कंफ्यूज हो रहे हो। जो प्रिवेंट कर रहा है अर्ली एग्जेशन ऑफ द सेल, क्या है जो प्रिवेंट कर रहा है अर्ली एग्जेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सेल को। ओके क्लियर हो बेटा, कलर्स सेल सर मींस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्लांट में पर्टिकुलर डिसीज इंसेक्ट को किल करने के लिए केमिकल प्रेजेंट होंगे। नहीं बेटा, केमिकल कहाँ प्रेजेंट है, वहां पर तो जीन है, सारा खेल जीन के ऊपर हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे कि पर्टिकुलर डिसीज या इंसेक्ट को किल करना है तो वहां पे केमिकल प्रेजेंट नहीं है, वो जो जीन है वो क्या कर रहा है बेटा, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कह सकते, ठीक है, केमिकल टर्म से हम नहीं बता सकते। वैसे सिंपल टर्म में समझे तो हम कह सकते हैं केमिकल है, बट केमिकल नहीं कहेंगे, हमसे जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको मारने के लिए, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ रुतिका, जितना मिनरल रिक्वायर्ड है उतना ले जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल प्लांट उसको जितना मिनरल रिक्वायर्ड होता है उतना वो नहीं ले पाता है। ठीक है बेटा, सभी के क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, यदि किसी के कुछ डाउट रहे तो बाद में हम इस लेक्चर के बाद भी मैं आपका एक एक पार्ट क्लियर करा दूंगा जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा। ओके क्या बोल रहे हो बेटा दिव्या सर, ये सब कुछ जो भी प्लांट का ग्रोथ है वो जीन पर डिपेंड है क्या? बेटा जो भी प्लांट का ग्रोथ है वो जीन पे डिपेंड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए हम लोग जीन पे टर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल प्लांट जो है बेटा, देखिए हर चीज, हर प्लांट में जीन तो एक्सप्रेस हो रहे हैं, कुछ अच्छे जीन भी है कुछ खराब जीन भी है, पर जीन एक्सप्रेस होकर काम तो कर ही रहे हैं, पर सिर्फ प्लांट की ग्रोथ ही नहीं, हमारे बॉडी में भी बेटा जो मैकेनिज्म हो रही है, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, हर चीज जो हो रही है उसमें भी तो जीन का एक रोल है। लास्ट लेक्चर में थे बेटा दिव्या, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े हम लोगों ने, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन ये सारी चीजें, नहीं थे बेटा? वेरी गुड बेटा, यही तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर जितने भी है वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बेटा, हर वीडियो के लेक्चर में एक प्लेलिस्ट आपको मिलता है, किसी भी वीडियो में चले जाना आप और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में आपको पोस्ट नहीं करता हूं कोई भी लिंक, ठीक है, लेकिन यदि अपलोड किया तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जो मैसेज आता होगा आपको उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट जो है ये क्या होता है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में देखिए बेटा हम लोगों ने ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो क्या चीज, जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट मीन्स क्या कह सकते बेटा हम लोग यहाँ पे, एक तो जो टी आई प्लाज्मिड है, क्या चीज, टी आई प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट था, जैसे कि हम लोगों ने जो देखे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, इसमें उसका खुद का जीनोम है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है प्लाज्मिड है, जैसे टी आई प्लाज्मिड मीन्स इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इसमें प्रेजेंट है। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जब प्लांट में जाएगा तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ट्यूमर बॉल होता है, इसको क्राउन बॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राउन बॉल, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्या किया, इस जीन को हटा दिया हमने, जो ट्यूमर कॉज कर रहा था उसमें हमने दूसरा जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जैसे ही दूसरा जीन इंट्रोड्यूस हुआ अब क्या होगा, अब बेटा इसमें हेल्दी जीन आ गया, तो ये हेल्दी जीन मींस हो सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो अभी यहाँ पे बेटा ट्यूमर कॉज नहीं करेगा प्लांट में, अब वो क्या करेगा बेटा, प्लांट में मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, मींस प्लांट में ट्यूमर कॉज ना होते हुए अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। देखो मैकेनिज्म कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ, तो पहली चीज तो देखिए ये एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में हम लोगों ने क्या किया बेटा, सबसे पहले बैक्टीरिया से उस प्लाज्मिड को बाहर कर दिया। चलो एक मिनट एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको बोर्ड की हेल्प से डेटा रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग बेटा, ये एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है, इसमें से हमने इस जीन को बाहर निकाल लिया, कौन सा जीन है बेटा, ये है टी आई प्लाज्मिड, इस टी आई प्लाज्मिड को हमने क्या किया अभी बाहर निकाल लिया। टी आई प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद अब इसके पास एक ऐसा जीन था ये वाला जो ट्यूमर कॉज कर रहा है, तो उसको हमने क्या किया वहां से कट करके उसको अलग कर दिया इधर साइड बेटा। जैसे कि सपोज ये एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोबैक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर नाइट्रोसोमोनास, जिसके पास बेटा अगेन इसके पास भी प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालें, इस प्लाज्मिड के पास बेटा एक ऐसा जीन है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, मीन एन आई एफ जीन यहाँ पे प्रेजेंट है,
कौन सा जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, NIF जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम लोगों ने इसको भी बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद क्या किया, ये वाला जो जीन था NIF इसको निकाल के हमने इस प्लाज्मिड में एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी हमारा ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है इस बैक्टीरिया में हम लोगों ने इसे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब क्या होगा, इंसर्ट करने के बाद ये एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के पास उसका खुद का भी जीन है और साथ ही साथ मतलब उसका खुद का नहीं उसका प्लाज्मिड है। हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को तो बाहर निकाल दिए बट NIF जीन जो है उसको हम लोगों ने क्या किए उसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। अभी फाइनली ये प्लांट है, इस प्लांट में हमने उस एग्रोबैक्टीरियम को छोड़ दिए। क्या करेगा ये एग्रोबैक्टीरियम उस प्लांट में, इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद बेटा प्लांट में बेटा अभी वो जीन पहुंच गए हैं जो बेटा क्या है नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो अब प्लांट को हमको बाहर से नाइट्रोजन देने का नीड नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो रहा है बेटा वहीं से वो ले लेगा। तो इस तरह से होता है, देखो इस डायग्राम में यही बताया हुआ है, अकेले डायग्राम से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है जस्ट मिनट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में देखो टीआई प्लाज्मिड कैरिंग डिजायर जीन, ठीक है। इधर साइड हम लोगों ने क्या किया उसको बाहर निकाल के वहां पे हम लोगों ने क्या किया बेटा जीन गन मेथड के थ्रू ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। एक यहां पे इस तरह से बताया दिन, फाइनली जो प्लांट है वो प्लांट क्या हो गया बेटा एक मॉडिफाइड हो गया, मींस क्या हो गया उसमें न्यू कैरेक्टर्स जो है हम लोगों ने उसमें मॉडिफाई कर दिए, ओके। यहां पे ये जो जीन गन का यूज हो रहा बेटा उस टीआई प्लाज्मिड को हम लोगों ने उसमें ट्रांसफर किए फाइनली कहां पे बेटा इस प्लांट ने, और प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से हमने ये प्लांट को प्रोड्यूस किया। आगे चलकर प्लांट टिश्यू कल्चर से बताऊंगा तो आपका ये पार्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखो मैंने आपको पहले जो बताया था जैसे गोल्डन राइस, ठीक है, मींस यहां पे टेरर मेड जो प्लांट जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है मींस वहां पे एक अल्टरनेटिव सोर्स जो है, ठीक है, प्लांट में यदि हमको डेवलप करना है, ठीक है, या फिर हमको जो नीड है रिक्वायरमेंट बेस्ड प्लांट यदि हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग यहां पे जो है प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एप्लीकेशन बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसका और भी डिटेल बेटा हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है, ठीक है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वहां पर भी हम देखेंगे, वहां पर भी पार्ट में आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। फाइनली कुछ भी हो बेटा हर जगह पे हम लोग एक ही चीज पढ़ने वाले हैं कि पेस्टिसाइड के अमाउंट को डिक्रीज करो और नेचुरल क्रॉप का प्रोडक्शन हो और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का हमको यील्ड मिले, अच्छी क्वांटिटी में मिले और फूड का रिक्वायरमेंट और अच्छी एनर्जी हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बेटा एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, बैसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस। ये बैक्टीरिया जो है बैसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस जो है तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है बीटी, ठीक है। और बीटी टॉक्सिन मीन्स यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसके पास एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या कर सकता है बेटा बीटी टॉक्सिन जीन जो है क्लोनिंग की हेल्प से फाइनली जो है एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट में, जो प्लांट को इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद एनिमेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल टर्म में आप ये समझिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको मैं शेयर करता हूँ बोर्ड और उसमें समझाता हूँ कि सपोज ये एक बैक्टीरिया बेटा, मतलब ये बहुत पहले से ये यहाँ पे हो रहा था हमारे टेक्निक्स में अप्लाई, ये एक बैक्टीरिया बेटा, यदि ये बैक्टीरिया ने इस प्लांट में इंफेक्शन कॉज किया तो ये बैक्टीरिया क्या करता था इस प्लांट में, ठीक है, आपने देखे होंगे एक बीटी स्पोर के फॉर्म में फर्टिलाइजर हम यूज करते थे और वो फर्टिलाइजर का हम ये ऐसे स्प्रे करते थे उस प्लांट में, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे, हाँ क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया स्पोर के फॉर्म में अवेलेबल है, इसके टाइम पे हम पहले से इसे यूज कर रहे हैं। तो इस बैक्टीरिया को जब फाइनली उस प्लांट में जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद उसकी स्पोर्स तो यहाँ पे बाहर साइड रहते हैं और जब कोई इंसेक्ट उसको आता है और खाता है यदि, ठीक है, मान लो सपोज कोई इंसेक्ट इस पत्तियों को भी खाएगा, इस लीव्स को खाएगा, तो उस लीव्स पे क्या हमने स्प्रे किया है वो बैक्टीरिया के स्पोर जो है, ठीक है, जस्ट लाइक जब फर्टिलाइजर, तो जब हम लोगों ने उसे जब वहां पे स्प्रे किए हैं तो स्प्रे करने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फाइनली यहाँ पे वो इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन थे, कौन से जीन थे बेटा, बीटी जीन बोलते हैं, टी मींस टॉक्सिन्स, जो कि नेचुरली बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब कोई इंसेक्ट आके उसे जब खाएगा तो खाते जब उसके गट में पहुंचता है तो उसके गट में बेटा क्या होता है, एल्केलाइन पीएच होता है। ये टॉक्सिन जो है पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में था, ये जो टॉक्सिन है वो कैसा था बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट उस टॉक्सिन को कंज्यूम कर रहा है तो उसके गट में अल्केलाइन पीएच रहेगा और अल्केलाइन पीएच होने की वजह से उस इंसेक्ट का जो है वो डेथ हो जाता है, ओके। तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है और क्या पार्ट आ रहा है यहाँ पे वही समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या चीज, पहली चीज तो जो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कुछ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स दिख रहे, कुछ प्रॉब्लम आएगा बेटा, बैक्टीरिया का इफेक्ट प्लांट में, बैक्टीरिया का इफेक्ट यदि हम देखें बेटा तो प्लांट में जो है, ठीक है,
प्लांट में बेटा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं बेटा, जो बीटी जीन जो है वो हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करा है ये होस्ट स्पेसिफिक है, वो इंसेक्ट को ही किल कर रहा है। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, अभी तक के हम लोग जो बैक्टीरिया के स्पोर जो स्प्रे कर रहे थे वो तो हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे ना बेटा, तो फर्टिलाइजर यूज ना करके हम लोगों ने क्या किया उस प्लांट में ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन ला दी, मतलब प्लांट के पास ही ऐसा जीन पहुंचा दिए जो उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो टॉक्सिन्स है ठीक है, जो टॉक्सिन्स है वो अफेक्ट कर रहा है ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है बेटा जो प्लांट है प्लांट में जो डिसीज जो हो रही है, एक ये अलग टर्म, प्लांट में जो इंसेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं ये अलग टर्म, ये दोनों चीजों को हम अलग अलग समझ रहे हैं। प्लांट में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, बट ये जो बैक्टीरिया प्लांट में डिसीज कॉज नहीं करता। ओके तेजस्विनी क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ बेटा, अगेन बीटी टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, बैसिलस थुरेंजिनेंसिस। ओके क्या नाम है बैक्टीरिया का, बैसिलस थुरेंजिनेंसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के पास बेटा एक जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन बेटा, बीटी टॉक्सिन जीन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है बीटी टॉक्सिन जीन प्रेजेंट है किसके पास, इस बैक्टीरिया के पास। इसको हम लोगों ने बेटा क्या किया, इसकी क्लोनिंग कर ली है ठीक है। क्लोनिंग करने के बाद ये जो बैक्टीरिया बेटा ये एक्सप्रेस हो रहा है कहाँ पे बेटा, प्लांट में। तो एक्सप्रेस होते ही प्लांट में उसे क्या कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है बेटा, इंसेक्ट के अगेंस्ट ठीक है। मीन्स इंसेक्ट को मारने के लिए अभी तक के हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, इंसेक्टिसाइड्स जो कि केमिकल है इसका यूज करना पड़ रहा था ठीक है। बट फाइनली अभी हम लोग इस जीन का यूज करते हुए हम जब यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इस तरह से बेटा जो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बायोपेस्टिसाइड। तो इस तरह से कौन कौन सी क्रॉप पे इफेक्ट देखा गया, बीटी कॉटन जो है प्रोड्यूस किया गया, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटेटो, बीटी सोयाबीन। ओके समझ में आ रहा है बेटा, हेलो आवाज आ रहा है क्या, am I audible all, yes no, am I audible all, बट आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मुझे। ओके सभी लोगों को आ रहा है, चलो बहुत से स्टूडेंट आज क्लास ज्वाइन किए हैं। ओके बेटा शायद किसी का कॉल आया था मुझे इसलिए नेटवर्क का इशू आया होगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा, चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे क्या पढ़ा है मैंने आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बेटा मैंने ये बताया कि ये जो बीटी टॉक्सिन जो है ठीक है ये प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरेंजिएंसिस। ये जो है ये बीटी टॉक्सिन जीन इसके पास प्रेजेंट है जो कि एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टॉक्सिन जब ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है तो ये उसके पास इनएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहेंगे बेटा, क्योंकि इस टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए अल्केलाइन कंडीशन चाहिए और बैक्टीरिया के पास अल्केलाइन कंडीशन नहीं है, तो बैक्टीरिया बेटा इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट में भी गया तो प्लांट में भी इस टॉक्सिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट जब उस प्लांट को खाता है तो क्या होगा, इंसेक्ट के गट में ये टॉक्सिन जाएगा और गट में टॉक्सिन जाते ही फाइनली वो टॉक्सिन जो कि इनएक्टिवेट था वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, इंसेक्ट का जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो है बेटा गट का जैसे ये है वहां पे पोर्स क्रिएट कर देगा, ये रप्चर कर देगा ठीक है। मीन्स ये मेम्ब्रेन स्वेल होने लगेगी, रप्चर हो जाएगी और उस इंसेक्ट का क्या होगा बेटा, डेथ हो जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने कुछ यहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस किए बेटा, जिसमें बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, बीटी टोमेटो है, बीटी पोटेटो है, बीटी सोयाबीन है। ओके तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन दिया। गोल्डन राइस थोड़ी देर पहले बताया था बेटा ठीक है, विटामिन ए इनरिच राइस है ठीक है, विटामिन ए से डेफिशिएंसी होने वाले डिजीज को ओवरकम किया है ठीक है। तो बीटी कॉटन जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था बेटा, तो बीटी कॉटन में वन बाय वन सारी चीजों को हम समझेंगे। पहली चीज तो बेटा एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, बैसिलस थुरेंजिनेंसिस, शॉर्ट फॉर्म में से क्या कह रहे बेटा, बीटी, जो बेटा एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटीन क्या करता है बेटा, सर्टेन इंसेक्ट जो उसको किल करता है। अब सर्टेन इंसेक्ट तो इसके लिए बेटा क्या हुआ, कुछ यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा, इसकी कुछ स्ट्रेन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो लेपिडोप्टेरेंस है, फिर लेपिडोप्टेरेंस जो हो रहा है क्या करता है बेटा, टोबेको और बर्ड वॉर्म जो है या आर्मी वॉर्म, इसको ये क्या करता है किल करता है, दो बार यहाँ पे एनिमेशन में आ गया है पहले से। ओके फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है क्या चीज बेटा, यहाँ पे यदि हम देखिए तो बैसिलस थुरेंजिनेंसिस जो है बेटा ये क्या कर रहा है, कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स जो है प्रोड्यूस करता है, और ये जो क्रिस्टल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, टॉक्सिक होते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इसके बाद एक दूसरा स्लाइड है उसमें बेटा तीनों के टाइप जो है, डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रेन जो यहाँ पे यूज हुआ वो तीनों के स्ट्रेन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ किस तरह से वहाँ पे उसका रोल होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहाँ पे बताऊंगा ठीक है। यहाँ पे सिंपल टर्म समझो अभी आप लोग ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जो बीटी कॉटन जो है मीन्स इसकी कुछ स्ट्रेन जो है बैसिलस थुरेंजिनेंसिस की,
क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप की क्रॉप पे अफेक्ट करता है, जैसे लेपिडोप्टेरेंस जो होता है टोबेको बडवॉर्म पे या आर्मी वॉर्म पे, कोलियोप्टेरेंस जो होता है ठीक है, तो कोलियोप्टेरेंस का रोल क्या बेटा बीटल पे, और डायप्टेरेंस जो होता है इसका रोल क्या होता है बेटा फ्लाइज और मॉस्किटो जो है उसको किल करने के लिए यूज होता है। ओके तो ये हो गया हमारा क्या चीज बीटी कॉटन। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बीटी टॉक्सिन्स जो है ठीक है, जो कि प्रोटीन है जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में है, इनएक्टिव उसे क्या कहते हैं बेटा प्रोटोटॉक्सिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे प्रोटोटॉक्सिन्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इनएक्टिवेट फॉर्म में है ठीक है। क्या चीज जो बीटी टॉक्सिन्स है ये इनएक्टिव प्रोटीन है, और इनएक्टिव प्रोटीन मीन्स यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट ने इसे इंजेस्ट किया इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे एक्टिव टॉक्सिन्स में। क्यों बेटा, क्योंकि अल्कलाइन पीएच जो है उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है या उसका गट जो है वहाँ पे अल्कलाइन पीएच रहेगा, तो ये जो टॉक्सिन्स है वो क्या होगा बेटा सोल्युबल हो जाएगा। जनरली वो किस तरह से बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में था, अब ये सोल्युबल हो गया। अब यहाँ पे जैसे सोल्युबल हुआ तो अब ये सोल्युबल होने की वजह से ठीक है इनएक्टिव फॉर्म जो है एक्टिव टॉक्सिन में जैसे कन्वर्ट हुआ तो फाइनली क्या होगा बेटा वो इंसेक्ट को मार देगा। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो है ये जो आइसोलेट हुआ है कहाँ से आइसोलेट हुआ है, बैसिलस थुरैंजिनेंसिस से, जो कि इनकॉर्पोरेट कर रहा है कुछ स्पेशल टाइप की क्रॉप में जैसे कि कॉटन। कॉटन में भी जो है ये क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके तो ये मैंने आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बीटी टॉक्सिन जो है ये बताया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, कुछ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स दिख रहे क्या है देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक पोटेटो, पोटेटो अलग है कॉटन अलग है। ओके सॉरी कहाँ से आपको प्रॉब्लम आया पूछो। पूरा बेटा क्या प्रॉब्लम आया आपका, क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। ओके चलो ठीक है बेटा सॉरी ठीक। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या देखे बेटा ट्रांसजेनिक जो क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बीटी कॉटन जो है ठीक है वो कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद बेटा पिक्चर स्केल पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे डाउट आ रहे हैं ठीक है। जो टारगेट क्रॉप है या जो पेस्ट है उसके लिए इसका यूज हो रहा है ठीक है बेटा। पूर्व थोड़ी देर के बाद एक पिक्चर से उसमें क्लियर हो जाएगा आपका जो डाउट है। ओके तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा जो भी क्रॉप है ठीक है मीन्स टॉक्सिन्स जो है बेटा यहाँ पे एक स्पेशल जीन जो है इसके लिए देखिए टर्म अलग अलग यूज होता है ठीक है। टॉक्सिन जो है जो कोडेड होता है जीन तो उसमें क्राय नेम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब क्राय जो है बेटा ये होस्ट स्पेसिफिक होता है मीन्स इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है ठीक है। जो भी जीन जो होता है बेटा जो हम चॉइस कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा क्रॉप पे और टारगेट पेस्ट पे ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन जो है ये कैसा है बेटा इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक देखिए इसके लिए जो टर्म यूज किया है एक है बेटा क्राय वन एसी। क्राय वन एसी जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है बेटा कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, और दूसरा बेटा क्राय टू एबी ठीक है ये क्या बेटा, और थर्ड जो है क्राय वन एबी। तो देखिए यहाँ पे क्राय वन एसी और क्राय टू एबी दोनों का जो रोल है ये किसके लिए यूज हो रहा बेटा दोनों भी क्राय वन एसी और एबी कॉटन बॉलवॉर्म दोनों भी समझ गए, और क्राय वन एबी जो है ये कॉर्न बोरेर के लिए यूज होता है ठीक है। क्या है ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, ये इंसेक्ट है बेटा, इस इंसेक्ट को मारने के लिए जो हम लोगों ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किए तीन टाइप के टॉक्सिन है जनरली इसको हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्राय से ठीक है। जो टॉक्सिन कोड कर रहा है जीन उसको क्या बोल रहे हैं बेटा क्राय। अब क्राय में क्राय वन एसी और क्राय टू एबी जो है ये कॉटन बॉल वॉर्म के लिए, और क्राय वन एबी जो है ये कॉर्न बोरेर के लिए यूज किया जाता है। ओके समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए बेटा जो इंसेक्ट है उस इंसेक्ट में इसका जो रोल है वो कैसे हो रहा है। ओके क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा यहाँ पे ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने जैसे ही उस झाड़ पत्ती जो है हमारा लीफ जो है उसको ये खाएगा, खाने के बाद फाइनली जैसे ही इस इंसेक्ट ने बेटा ये जैसे ही कंज्यूम किया, कलर चेंज कर देता हूँ फिर समझेगा आपको, तो जैसे ही बेटा इसने इस स्पोर्ट्स को इंजेस्ट किया जो कि प्रोटीन क्रिस्टल के फॉर्म में है उसके गट में गया, प्रोटीन क्रिस्टल डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में था तो प्रोटीन जो क्रिस्टल है एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही जो प्रोटॉक्सिन था उसमें कन्वर्ट हो गया बेटा टॉक्सिन्स में, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हुआ देन फाइनली बेटा वो उसके साइटोप्लाज्म में से होते हुए उसके सेल के पास पहुंचा, सेल को क्या करेगा बेटा वो रप्चर करेगा ठीक है। मीन्स वो क्या करेगा एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया उस मेम्ब्रेन में इस तरह से पोर क्रिएट हो जाएंगे, देन सेल का क्या होगा बेटा सर लाइसिस हो जाएगा और इस इंसेक्ट का क्या होगा डेथ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज ये इंसेक्ट जो है मीन्स जो बीटी टॉक्सिन्स जो है इस इंसेक्ट को कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है। ओके
देखो अगेन आपको यहाँ पे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे कि क्या बताया बेटा, ये एक इंसेक्ट है, जैसे इसने इस प्लांट की एक लीफ जो इसको खाया, खाते बेटा जो क्रिस्टल थे, जो स्पोर्स थे, वो उसके गट में गए, गट में जाते बेटा क्रिस्टल डिसॉल्व हुआ, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव जो कि प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में था, एक्टिवेट हो गया बेटा टॉक्सिन के फॉर्म में, एक्टिवेट होते ही ये इसकी इपिथेलियम है बेटा, ये वाली इस इपिथेलियम पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये रिसेप्टर पे आके ये जो टॉक्सिन है यहाँ पे आके बाइंड किया, बाइंड करती है, देखो यहाँ पे इस तरह से क्या कर रहा है बेटा, कोर क्रिएट कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है और रप्चर हो रहा है, और इसको जर्मिनेट होके क्या है बैक्टीरिया को परिपरेट कर रहा है, और फाइनली यहाँ पे क्या है इस तरह से इस इंसेक्ट का जो है क्या हो जा रहा है बेटा, डेथ हो जा रहा है। ठीक है, अगेन देखो बेटा आपको यहाँ पे समझेगा, ठीक है, ये इंसेक्ट है जो कि क्या कर रहा था बेटा, इस प्लांट को खाया, उसकी बॉडी में पहुंचा, बॉडी में स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होने के बाद इंसेक्ट का क्या हुआ, डेथ हो गया। तो इस तरह से ये इंसेक्ट जो है इसका क्या होता है बेटा, डेथ होता है। ओके, समझ में आ गया बेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो बताया था क्या चीज, ये कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे बेटा, ये लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डैप्टेरेंस, ये थ्री स्ट्रेन है बेटा बेसिलस थुरिंजियेंसिस की। तो ये लेपिडोप्टेरेंस जो है इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, टोबैको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म, ये आप डायग्राम देख रहे हो, जैसे ये आया इसको खाया तो ये देखो इसको खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, ये देखो अभी इस क्रॉप को कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि थोड़ा सा भी खाया उसको इमीडिएटली इसका डेथ हो जाएगा, हमारा क्रॉप पे इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, लेपिडोप्टेरेंस, इस पे अफेक्ट कर रहा है ये टोबैको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म। ठीक है, आपके नीट एग्जाम के लिए बेटा ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले क्राई वन ए बी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए सी जो मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें याद नहीं रहता, याद रखना बेटा क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी जो है ये कॉटन बॉल वॉर्म पे अफेक्ट करता है, और क्राई वन ए बी जो है ठीक है वो कॉर्न बोरियर पे अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके कंट्रोलिंग के लिए यूज हो रहा है। पोलियोप्टेरेंस जो है इसका यूज किसके लिए बेटा, बीटल, ठीक है ये वाला, और थर्ड वाला जो है डैप्टेरेंस जो है फ्लाइज और मॉस्किटो, ये वाला दिखाई दे रहा बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ये थ्री टाइप के स्ट्रेन है जो थ्री टाइप के जो है बेटा क्या कह सकते हैं, हमारे क्रॉप पे जो अफेक्ट करने वाले इंसेक्ट कह लो या फिर जो बॉम है उसको मारने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। समझ में आ गया बेटा, अभी इसका पूर्व वाला आपका डाउट था, पूर्व वाला बेटा समझा क्या, लेपिडोप्टेरेंस क्या होता है। हाँ बेटा, वेरी गुड, ये पिक्चर से और इसके पहले के पिक्चर से आप सभी लोगों का बेटा क्लियर हो गया होगा बीटी टॉक्सिन का रोल क्या है, और साथ ही साथ कैसे ये अफेक्ट करता है, बीटी का मीनिंग क्या होता है, बैक्टीरिया का रोल क्या है, और कैसे यहाँ पे स्ट्रेन का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ओके, अब देखो ये हमारा एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो एक कॉटन बॉल अंदर दिखाई दे रहा है आपको, जो कि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बॉल वॉर्म है, ये पिक्चर में भी देखो किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कॉटन थोड़ा अच्छा सा कॉटन है, ये हेल्दी कॉटन है बेटा। ठीक है, बट ये जो है ये पूरा बॉल वॉर्म ने क्या किया बेटा, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब बॉल वॉर्म ने इस कॉटन को जब डिस्ट्रॉय किया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्राई वन ए सी और क्राई वन, हेलो क्राई वन ए सी था या ए बी था बताएंगे, याद है कि देखते कितने लोगों को याद है, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए बेटा कौन सा क्राइजीन यूज होता है, आपका आंसर आ रहा है क्राई वन ए सी, वेरी गुड आपका रोनाली, अनिकेत, पूर्वल, श्रुतिका, निकिता, हर्ष, जानवी, कल्याणी, वेरी गुड बेटा, क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, जब इसका यूज किया तो इसके यूज करते ही फाइनली क्या होगा बेटा, ये जो बॉम्ब था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस तरह से बेटा फुल्ली मैच्योर कॉटन, देखो कितना अच्छा कॉटन अभी मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सोचो कॉटन को भी खा जाता है वो इंसेक्ट अंदर आता है, और ये इस तरह से बेटा हमने मॉडिफाई किए तो इतना अच्छा हेल्दी कॉटन जो है ये प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखे बेटा, कॉटन जो है ठीक है बीटी कॉटन इसका रोल देखे। अभी ये वाला पार्ट वैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आप लोगों को समझाना है मुझे, बट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ये वाला पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो उसके लिए फिर हम ये वाला पोर्शन जो है फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, एक सिंपल टर्म है, छोटा सा कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हमें प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे बेटा देखिए एक इंसेक्ट है, एक निमेटोड है, जिसका नाम क्या, मेनिंडोगाइन इनकॉग्निटा, जो इंफेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट में। अब टोबैको प्लांट में अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से बेटा बहुत ज्यादा उसकी यील्ड में रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो फाइनली बेटा इसको मारने के लिए क्या है बेटा, एक टेक्निक्स जिसे आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आरएनएआई भी कहते हैं। ओके, क्या चीज, आरएनएआई। तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के हेल्प से इस निमेटोडा को मार दिया जाता है, जिससे जो भी हमारे प्लांट है उस पर किसी भी टाइप का अफेक्ट ना हो पाए। ओके,
हेलो, आवाज बहुत अटक रही है। ओके बेटा, फिर से बता रहा हूँ, नेटवर्क का क्या इशू आ रहा है। ओके बेटा, रिवाइज करा दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। अभी बेटा वॉइस क्लियर है कि सभी लोगों को एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। इसके पहले वाली स्लाइड मैंने प्ले ही नहीं किया। इसके पहले एनिमेशन था, बट ये स्लाइड समझ लो, फिर एनिमेशन बता रहा हूँ क्या। चलो क्लियर है, थोड़ा सा देख लेते बेटा, ये भी टॉपिक हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखो, समझ लो। इसका एक फुल एनिमेशन जो बेटा, इसका वीडियो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस करके, यदि आप लोग वहां से देख रहे होंगे तो। बाकी वही एनिमेशन मैं यहां पर भी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। सेम एनिमेशन बेटा आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देख पाओगे। ओके, तो देखिए बेटा, यहां पर मैं बता रहा हूं कि हमको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोड्यूस करना है। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हमें प्रोड्यूस करना है, तो क्या है, कुछ निमेटोड्स है जो कि पैरासाइट्स है, ठीक है, किस पर, प्लांट पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे। वैरायटी ऑफ निमेटोड्स हमको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए, एक निमेटोड ऐसा है जिसका नाम है बेटा मेलिंडोगाइन इनकॉग्निटो, ठीक है। तो ये जो बेटा, ये इंपैक्ट करता है किस पे, रूट ऑफ टोबैको प्लांट पे, जिसकी वजह से बेटा टोबैको प्लांट का यील्ड जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। ओके, तो इनको मारने के लिए, ठीक है, इसके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे बेटा एक प्रोसेस को डेवलप किया गया। उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर आरएनएआई। इसको बोलते हैं बेटा साइलेंसिंग ऑफ जीन। सिंपल टर्म में हम समझे तो साइलेंसिंग ऑफ जीन भी हम इसे कहते हैं। साइलेंसिंग ऑफ जीन मींस होता क्या है, साइलेंसिंग ऑफ जीन मींस, देखो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़े थे, ये डीएनए था, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। यदि मान लो हम लोग जीन को साइलेंट कर देते, या तो आरएनए के टाइम पे या फिर डीएनए के टाइम पे, वो जीन को जब एक्सप्रेस होने ही नहीं देंगे, तो फाइनली होगा क्या, प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब नहीं हो पाया तो जो भी ऑर्गेनिज्म से सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो टेक्निक्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस मींस क्या है, जीन को साइलेंस कर दे रहे हैं। साइलेंस कैसे करेंगे, यदि कोई आरएनए बना, आरएनए बनने के टाइम पे उसको तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस आरएनए के। तो आरएनए के जब टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, तो ये जो निमेटोड है सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। देखो ये एनिमेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले प्ले किया था, आपको जो बताया था, अगेन रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये देखो इस एनिमेशन में यही बताया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, ये आरएनए है और ये डीएनए है। आरएनए पे ये पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, एक डाइसर एंजाइम होता है, ठीक है। डाइसर एंजाइम क्या करता है, आरएनए के तोड़ दे रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दे रहा, खा जा रहा है उसको। देखो एक डाइसर एंजाइम जो होता है, आरएनए को क्या करता है, पूरा काट देगा, तो उसके जीन को क्या है, फिर वो एक्सप्रेस करने नहीं देगा। और जब उसका जीन एक्सप्रेस होगा ही नहीं, तो फाइनली जो निमेटोडा है वो सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो निमेटोडा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, साइलेंसिंग ऑफ जीन। तो इस तरह से हम लोग बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट है, उसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है, इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका हमने एक पार्ट देखे, जिसमें बेटा आरएनएआई जो है टेक्निक्स, जो कि ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा मेथड जो सेलुलर डिफेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक मेथड जो सेलुलर डिफेंस के लिए यूज होता है। कैसे, जैसे कि सपोज ये डीएनए था, डीएनए ने एक्सप्रेस करके क्या बनाया, आरएनए। एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डाइसर एंजाइम। डाइसर एंजाइम क्या करता है बेटा, इस तरह से आरएनए को काट देगा। हमने देखे थे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में क्या करता था बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यदि मान लो उस बैक्टीरिया में कोई वायरस आके अफेक्ट करता है, तो उसके बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसको काट के अलग कर दे रहा था। तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, तो बैक्टीरिया में वो डिफेंस मैकेनिज्म थी। तो ऐसे बेटा वो तो प्रोकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक में डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, तो यूकैरियोटिक में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे कहते हैं आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस। मींस एक एंजाइम है जिसे डाइसर एंजाइम कहते हैं। ये डाइसर एंजाइम क्या करता है, इस आरएनए को काट देता है, जैसे जो सीजर है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके तरह काम करता है। तो आरएनए को काट देगा तो आरएनए एक्सप्रेस नहीं होगा। आरएनए जब एक्सप्रेस नहीं हुआ तो फाइनली क्या होगा बेटा, आरएनए एक्सप्रेस नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो वो जो होस्ट है, मींस जो पैरासाइट है, वो सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो देखो बेटा यहां पे ये जो मेथड है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, याद रखना, क्या बताया है, ये मेथड जो इन्वॉल्व हो रही है किसमें, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ये कहलाएगा साइलेंसिंग, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ध्यान रखना, अगेन देखो मैं जो बता रहा, समझना, ये डीएनए है, डीएनए जब एक्सप्रेस हुआ तो क्या बना, आरएनए बना। जैसे ही आरएनए बना, तो यहां पे बेटा हमारे जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें सेलुलर डिफेंस के लिए एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होगा, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये जो आरएनए उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इधर तैयार है पहले से। अब क्या होगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने की वजह से क्या होगा, देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री, एक ये वाला आरएनए
और ये दोनों आरएनए इस तरह से बाइंड हो गया तो ये क्या बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, डीएनए नहीं है, ये क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं डाइसर। अब डाइसर यहां पे जाके क्या करेगा बेटा, इसको काट देगा। काटने की वजह से अब ट्रांसलेशन हो पाएगा क्या, नहीं। प्रोटीन एक्सप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है, ये मेथड इन्वॉल्व है। इसने क्या किया बेटा, साइलेंस कर दिया आरएनए, आरएनए को एक्सप्रेस होने दे रहा है क्या, नहीं। कैसे साइलेंस किया बेटा, उसने कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बना लिया जो बाइंड किया और प्रिवेंट किया, क्या चीज बेटा, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इस फिनोमिना को कहते हैं साइलेंसिंग, क्या कहते हैं इसे, साइलेंसिंग। तो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यदि हम देखें तो यहाँ पे ये कैसे बेटा, कब फॉर्म होता है, इन्फेक्शन बाय वायरस, ठीक है। आरएनए जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन। किसने डिस्कवर किया ट्रांसपोजोन, बताया था लास्ट क्लास मैंने, बारबरा मैक्लिंटॉक, याद है, जंपिंग जीन भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है बेटा, रेप्लिकेट वियर द आरएनए इंटरमीडिएट, ओके। इतने पार्ट में सिंपल टर्म में आप सिर्फ ये याद रखो कि डीएनए था, डीएनए ने जब आरएनए बनाया तो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर आके काट देगा, डाइसर ने जैसे काटा आरएनए एक्सप्रेस नहीं होगा, ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो वो पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके। ये यहाँ पे बताया हुआ है, देखो बेटा ये यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये आरएनए आया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते ही डाइसर आके उसको काट देगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और जैसे वो उसको कट किया है, देखो कट कर रहा है बेटा, कट करने के बाद आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए। अब आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए, ये देखो ध्यान देना है। अब आरएनए के जब फ्रेगमेंट बन गए तो क्या होगा, बहुत सारे आरएनए जो है उस सेल के इनसाइड में प्रेजेंट है, और जब बहुत सारे आरएनए उस सेल के इनसाइड में जब प्रेजेंट है तो फाइनली अभी क्या होगा बेटा, जब भी आरएनए बनेगा नया, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पहले से तैयार है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार है तो निमेटोड जो है कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यूज क्या किया गया बेटा, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, इस वेक्टर का यूज करेंगे, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे कहां पे बेटा, होस्ट प्लांट। देखो कई स्टूडेंट को यहां पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। हम लोगों ने क्या किया बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो मेनिंडोवाइन इनकॉग्निटिया जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किए, इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, ठीक है, जो इस निमेटोड को मार सकता है, उसके जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस इस बैक्टीरिया में क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस करके इस बैक्टीरिया को कहां पे बेटा, होस्ट प्लांट में हम लोगों ने पहुंचा दिए। जब होस्ट प्लांट में हम लोगों ने इस जीन को पहुंचा दिए तो इसके अंदर जो आरएनए एक्सप्रेस हो रहा था, वो आरएनए जो है ये प्लांट में भी बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब जब वो सेम आरएनए जब इस प्लांट में बन रहा है, तो जब ये जो इंसेक्ट है बेटा, जब इस प्लांट को आके खाएगा तो इसके पास ऑलरेडी आरएनए प्रेजेंट है, तो जब इसने खाया तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर चीज को डाइजेस्ट कर देता है, तो निमेटोडा जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये आरएनए इसके बॉडी में गया, बॉडी से अब्सॉर्ब होकर उसके सेल में चला गया। सेल में जाते ही ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और ये जो निमेटोडा है इसका जब आरएनए जब बना, तो दोनों आरएनए मिलके क्या होंगे बेटा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, तो जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो क्या होता है बेटा, डाइसर जो है उसको क्या करेगा, काट के अलग कर देगा। अब काट के जैसे अलग किया तो अब देखो इसकी ये सेल है, इसमें काट दिया ऐसे डाइसर ने जब काटा, तो इसके क्या होगा बेटा, यहाँ पे इतने सारे आरएनए के फ्रेगमेंट बन गए। जब भी नया आरएनए बनेगा, ये सारे आरएनए उसको जाके ज्वाइन करते जाएंगे और डाइसर एंजाइम को क्या करते जाएगा बेटा, कट करके अलग करते जाएगा। वो निमेटोडा जो है वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, इसने प्रोड्यूस किया एक तो सेंस और एंटी सेंस, दो आरएनए होस्ट सेल में बनाया, होस्ट सेल मींस प्लांट में, ठीक है। एक ऐसा आरएनए जो कि एक्सप्रेस हो रहा था और एक ऐसा आरएनए जो कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, तो इस तरह से सेंस और एंटी सेंस आरएनए होस्ट सेल में क्या हुआ बेटा, प्रोड्यूस हुआ। अब दोनों आरएनए जो थे वो क्या थे बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से उन्होंने क्या किया बेटा, डबल स्टैंडर्ड बना लिया। डबल स्टैंडर्ड इस प्लांट में जैसे ही बना, तो बनने के बाद क्या है, यूकेरियोटिक सेल में एक मैकेनिज्म होती है आरएनए को साइलेंस करने के लिए, तो साइलेंसिंग ऑफ जीन बेटा इस होस्ट प्लांट में हो जाएगा, ठीक है। होस्ट प्लांट में ही डाइसर एंजाइम आके क्या करेंगे, उसको कट करके बहुत सारे आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना दिया। तो इस तरह से स्पेसिफिक एमआरएनए जो निमेटोड के लिए थे वो बन गए। अब जब निमेटोड उस प्लांट को खाएगा, तो खाते ही वो आरएनए के जो टुकड़े उस निमेटोड में चले जाएंगे, जो हर आरएनए के बनने वाले नए आरएनए का क्या रहेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो जैसे ही निमेटोडा में आरएनए बना, दूसरा आरएनए जुड़ जाएगा जो कि ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देगा। जब प्रोटीन निमेटोडा में बनेगा नहीं, तो निमेटोडा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से यहाँ पे फाइनली पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, और ट्रांसजेनिक होस्ट जो है एक्सप्रेस कर रहा है क्या चीज बेटा, इंटरफेरिंग आरएनए। इस तरह से बेटा फाइनली जो है उस पैरासाइट से हम लोग क्या है, उस क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट को हम पैरासाइट से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आप देख रहे हो एक होस्ट प्लांट है जिसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये जनरेट किया है, ट्रिगर द प्रोडक्शन अगेंस्ट द निमेटोडा। जैसे ही रूट पे आता है तो कंट्रोल कर रहा है बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में,
और इन्फेक्शन कॉज करते ही फाइनली क्या होगा बेटा, उस पैरासाइट का वहां पर डायरेक्टली डेथ हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्या बेटा सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, सभी लोग है क्या क्लास में? यस सर, समझा मृणाली गोरवाल। यस सर, गॉट इट। बस दो लोगों को समझा, बाकी लोग कहाँ गए? प्लस सर ये डायग्राम समझाइए। दिव्या यस सर, दियांशु यस सर, तेजस्विनी, डाइसर जीन ह्यूमन को अफेक्ट करता है क्या? निकिता यस सर, द्रप्ति यस सर। डाइसर जीन ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता बेटा, डाइसर जीन जो है वो जनरली यदि हम देखें तो वो ह्यूमन में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म हम किस तरह से कह सकते हैं बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स ह्यूमन को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। पेस्ट रेजिस्टेंस के बाद से क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? श्रुति का समझा नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा। बहुत से लोगों का नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक हुआ था श्रुति का। अच्छा, पेस्ट रेजिस्टेंस के बाद से नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक हो गया था। एक बार बेटा वीडियो देख लेना, कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है बेटा। इस डायग्राम में कलर्स जो आपका प्रॉब्लम है, देखिए ये जो है बेटा, ये टोबैको प्लांट का रूट है। ओके, तो इस रूट में जो है निमेटोड जो अफेक्ट कर रहा है, तो प्लांट को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। बट हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे जैसे जो बताया, होस्ट प्लांट जो है उसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर जनरेट कर लिया है। ठीक है, समझ गया। तो डायग्राम ए जो है यहाँ पे एक रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट जो है वो है, पर डायग्राम बी जो है बेटा ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट का रूट प्रॉपरली ग्रो हो रही है और नॉर्मल प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया। डिजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल मींस प्रोवाल, प्रोटीन क्रिस्टल जो है डिजोल्व हो जाएगा, उसकी इपिथेलियल सेल्स जो होती है वहां पे पहुंच जाएगा, उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इपिथेलियल सेल वहां पे रप्चर हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और इंसेक्ट जो उसका डेथ हो जाएगा, ऐसा है। ओके, चलो आगे बढ़े। किसी और की कुछ डाउट है बेटा? और किसी की कोई डाउट है क्या? नो सर, चलो आगे बढ़ते बेटा। ओके, तो जैसे कि आज हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, कई लोग लीव कर गए कितने जल्दी, मुझे लगा कि क्लास हो गई। चलो तो आगे बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन जो हमें मेडिसिन में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होता है मेडिसिन वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आरएनए इंटरफेरेंस जो अभी हम लोगों ने समझे बेटा, पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट वीडियो मिल जाएगा आपको देखने के लिए अपडेट करना। Thank you.
ओके और किसी को कुछ डाउट बेटा? फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, ओके चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। We'll be right back.